जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा बीते दिन मुंगेली जिले में रहा, जहां पर मुख्यमंत्री ने 1793 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की धनराशि का वितरण किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के लिए 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 23,23,000 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। इसी तरह राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का भी शुभारंभ इसी दिन किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4,99,000 हितग्राहियों को भी लगभग 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करी गई। इस योजना में भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करी जाती है। इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सर्वे के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देंगे और नए हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 7,000 रुपए प्रति वर्ष जो है उनको दिए जाते हैं, इसी तरह नगर पंचायत क्षेत्रों में भी भूमिहीनों एवं मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत बीते दिन करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बेरोजगारी भत्ते पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आने वाले टाइम में बेरोजगार युवक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने वेब पोर्टल तैयार कर दिया है और लॉन्चिंग भी करी जा चुकी है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने बीते दिन मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग की है। ये पोर्टल 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल में जानकारी देने के बाद ही प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को इसका फायदा मिल सकता है। भत्ते की सुविधा के लिए बकायदा वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें युवाओं को मांगी गई सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। ऐसे युवा जिनकी पारिवारिक आय तकरीबन 2.5 लाख रुपए से कम है, वे इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो, वो भी न्यूनतम 2 साल पुराना हो। इसके अलावा आवेदक की आय का कोई स्रोत ना हो, परिवार की कुल वार्षिक आय 2,50,000 से कम हो, इससे अधिक नहीं चलेगा और परिवार से मतलब पति पत्नी या फिर माता पिता से है। वीडियो में आप देख रहे हैं, जहां पर लाठी डंडे और तीर धनुष से लैस होकर के ग्रामीणों के सामने बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट पहन करके कलेक्टर और एसपी पहुंचे, जहां बतौली से खबर है, जहां अंबिकापुर के बतौली चिरगा स्थित प्रस्तावित एल्यूमिनियम प्लांट का विरोध हजारों की संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से ग्रामीण लाठी डंडे व तीर धनुष लेकर के प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीण प्लांट को लेकर के तैयार नहीं है। मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। इसके अलावा राखी डंडे से लैस होकर ग्रामीणों को समझाने के लिए कलेक्टर और एसपी समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट पहनकर पहुंचे। राजस्व अधिकारी सीमांकन करने पहुंचे थे, लेकिन उग्र हुए ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में अधिकारियों को बेरंग ही लौटना पड़ा। रायपुर वासियों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि 27 और 28 मार्च को कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं होगी और नगर निगम ने बड़ी वजह बता दी है। राजधानी रायपुर में 27 मार्च को कई इलाके ऐसे हैं जहां पेयजल की सप्लाई ठप रहने वाली है। रायपुर नगर निगम इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं करेगा और इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 80 MLD फिरटल प्लांट के पास 1200 mm व्यास की क्षतिग्रस्त मेन राइजिंग पाइपलाइन का मरम्मत किया जाएगा और इसी वजह से 27 मार्च को 80 MLD प्लांट से भरने वाली ओवरहेड वाटर टैंक डंगनिया गंज इसके अलावा गुड़ियारी राजन नगर तेलीबांधा शंकर नगर खमरतराई समेत बनपुरी ईदगाह भाटा पुरानी टंकी और श्याम नगर से सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसके बाद शाम को पानी नहीं दिया जाएगा। वहीं 28 मार्च को भी सुबह में आंशिक रूप से वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगा। शहर के अन्य इलाकों में भी पानी की सप्लाई जारी रहेगी।
खबर जो आ रही है वो यहाँ पर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 के पगवही के पास का हादसा है, जहाँ ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ये अनियंत्रित होकर के एक सरसों तेल से भरी ट्रक पलट गई, जिसमें नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर ऑयल बहने लगी और डिब्बे और साथ ही साथ बाल्टी लेकर के ग्रामीण तेल लूटने के लिए पहुंच गए। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा नेशनल हाईवे क्रमांक 30 के पगवही के पास हुआ। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक जबलपुर से रायपुर जा रहा था, तभी चिल्फी थाना के पगवाही गांव के पास ये ट्रक पलट गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से ग्रामीणों को हटाया गया। आदिवासियों के अलग धर्म कोड की मांग को लेकर के आदिवासी अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसमें कवासी लखमा ने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, गांधी परिवार देश के लिए लड़ता है। दरअसल देश में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में ये फैसला लिया गया है। आदिवासी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि जिस तरह से जैन धर्म का अलग कोड दिया गया है, उसी तरह आदिवासी भी अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, जंगल और पहाड़ की रक्षा करने वाले आदिवासी हैं। इसीलिए 20 अप्रैल के आसपास प्रदेश भर से आदिवासी दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से अपने एक अलग धर्म कोड की गुहार लगाएंगे। रायपुर में परिवहन शुल्क पर 50% छूट देने का कारोबारियों ने जमकर स्वागत किया है। दरअसल रायपुर में ऑटो एक्सपो परिवहन विभाग द्वारा रोड टैक्स में 50% छूट मिलने की घोषणा के बाद अब ऑटो डीलर उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऑटो डीलरों ने ऑटो एक्सपो की तिथि पूर्व में 24 से 27 मार्च तक की थी, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने एक्सपो लगाने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और परिवहन सचिव एस प्रकाश से भेंट कर सभी प्रकार के वाहनों पर रोड टैक्स में 50% छूट देने की मांग की थी, जिस पर एसोसिएशन के इस पहल पर राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रोड टैक्स में छूट देने का निर्णय किया है। ऐसे में बात करें तो अब जो है कोरोना संक्रमण की वजह से ऑटो एक्सपो का आयोजन नहीं किया जा सका था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो राज्य में धान का बोनस मिलने की वजह से किसान समेत बाजार में पैसा जमकर बरसा है और इसी वजह से ऑटो सेक्टर में मंदी बेअसर रही है और आने वाले टाइम में भी बेअसर होने वाली है। गर्मी से पहले जलाशय सूखते के कगार पर नजर आ रहे हैं। केलो डैम की बात करें जहां पानी का भराव ज्यादा है, लेकिन नहरें नहीं बन पाई हैं, इस वजह से पानी का सप्लाई किसानों के लिए नहीं होगा। मार्च के बीच गर्मी शुरू होते ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की वजह से अब तक गर्मी का असर नहीं दिख पा रहा है। हालांकि गर्मी से पहले ही रायगढ़ और सारंगढ़ जिले के जलाशय सूखने के कगार पर हैं। विडंबना ये है कि जिन डैम में नहर बनी है वहां पानी कम है और केलो डैम में पानी भरपूर है, लेकिन यहां नहरें पूरी नहीं हो पाई है। अफसरों के मुताबिक रबी की फसल प्रमुख खेती गेहूं की हुई है। जिले में सिंचित रकबा तकरीबन 1.25 लाख हेक्टेयर का है, इसमें 1,15,000 हेक्टेयर अधिक रकबे से फसल ली गई। ऐसे में सिंचाई के लिए पानी की खास जरूरत अब तक नहीं पड़ी है। अविभाजित रायगढ़ के प्रमुख जलाशयों में केलो डैम, खमार पाकुट, इसके अलावा केडार, किंगकारी और पुटका जलाशय प्रमुख है। गर्मी की शुरुआत में केलो डैम को छोड़कर बाकी जलाशयों में जल भराव कम होने लगा है। अमित शाह जो है CRPF के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां स्थापना दिवस पर वीरों का सम्मान किया गया। जवानों का स्टंट शो अमित शाह ने देखा। बस्तर में CRPF के 84वें स्थापना दिवस के दौरान करणपुर कैंप में कोबरा के 201/204 बटालियन के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलग अलग सेक्टर के जवानों ने परेड की। इस बीच गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। अमित शाह ने CRPF के 84वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। 2,249 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अमित शाह ने कहा कि मैं बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है, ये CRPF की बदौलत है। तालाब में नहाने गए 4 बच्चे, जिनकी वजह से थर्माकोल की सीट पर ये बच्चे तैरने निकले थे और 2 इस थर्माकोल की वजह से 2 की डूबने की वजह से मौत हो गई। 1 की तलाश अब भी जारी है। राजधानी के माना बस्ती इलाके में 2 बच्चों की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। तालाब में डूबे 2 बच्चों में से 1 के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरे बच्चे की खोजबीन NDRF की टीम जुटी हुई
हुई है। ये मामला माना थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार माना बस्ती इलाके के तालाब में बच्चे नहाने गए थे, जहां तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। तालाब में डूबे बच्चों में से एक बच्चे का शव NDRF की टीम ने बरामद किया है, वहीं दूसरे बच्चे की लगातार खोजबीन जारी है। रायपुर में 4 से अब 53 होंगे हमर अस्पताल। 4 MBBS डॉक्टर सहित 24 घंटे इमरजेंसी सेवा की सुविधा आप लोगों को मिलने वाली है। राजधानी में संचालित हो रहे 4 हमर हॉस्पिटल, आने वाले दिनों में इनकी संख्या 53 हो जाएगी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की परिकल्पना के तहत अब लोगों को आसानी से उपचार की सुविधा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जा रहा है। हमर अस्पताल में 4 MBBS डॉक्टरों के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा दी जा रही है। आने वाले मरीजों को फिजियोथेरेपी के साथ साथ आँखों की प्रारंभिक और दांतों की बीमारी का इलाज भी यहां पर किया जाएगा। राजधानी में वर्तमान में गुढ़ियारी, भाटागांव, राजा तालाब और भनपुरी में हमर अस्पताल संचालित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर यहां उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसे में इस बेहतर रिस्पॉन्स को देखते हुए प्रदेश स्तर पर इसको बढ़ाया जाएगा। डंडे से पीट पीट करके 2 युवकों की हत्या कर दी गई। बाजार से वापस लौट रहे थे 2 युवक, ऐसे में रास्ते में आरोपी ने इन्हें रोका, फिर गाली देकर के हमला कर दिया। बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र में एक सरफिरे युवक ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों युवक बाजार से सामान खरीद करके अपने गाँव वापस लौट रहे थे, तभी देवकर चौकी के अंतर्गत आने वाले डेहरी मार्ग पर आरोपी ने गाली गलौज करने के बाद दोनों के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आरोपी को गिरफ्तार कर लाने के बाद वो थाने में मौजूद लोगों को भी धमका रहा था। उसने कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। रायगढ़ में 4 दिन पहले पालीघाट सेल्फी पॉइंट पर 2 युवकों के भी शव पाए गए थे। ये एक अलग मामला है और इस केस में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग अभी भी फरार है। इसके अलावा एक अन्य मामला कोरबा जिले का, जहां सिविल लाइन थाने में नाबालिग के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। रायपुर में इलाज के दौरान इस नाबालिग ने अपना दम तोड़ दिया था। पीएम आवास से कमल विहार में बनने वाले हैं 7012 नए मकान। 6 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रस्तावित हो चुका है। RDA अर्थात रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कमल विहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7012 नए मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 1 अरब 94 करोड़ 63 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में LIG, EWS और रोहा हाउस का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में शुक्रवार को आयोजित की गई बैठक में संचालक मंडल ने बजट पास कर दिया है। संचालक मंडल की बैठक में कमल विहार, इंद्रप्रस्थ रायपुरा व बोरिया खुर्द में निर्माणाधीन EWS व LIG फ्लैट्स के किस्तों की बकाया राशि के भुगतान पर आवंटितों को 50% की छूट पर घोषणा पर स्वीकृति प्रदान की गई। आम आदमी पार्टी ने 455 ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। 1 माह के अंतर्गत 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 1 महीने के भीतर 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में 455 ब्लॉक अध्यक्षों के लिए 4 चरणों में राजधानी से लेकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आगाज कर दिया गया है। वहीं प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक व प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने बताया कि राज्य में संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है और महासदस्यता अभियान की जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। प्रदेश के लगभग 20,000 गांवों में आम आदमी पार्टी ने प्रभारी व सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दर्शन के लिए बंजारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की कड़ी कतार लगी रही। राजधानी के रावा भाटा स्थित बंजारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बीते दिन शाम माता के दर्शन करने वाले मंदिर पहुंचे हुए थे। महिलाएं व पुरुष अलग अलग कतार में खड़े होकर द्वार खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ज्योत भी प्रकाशित करी गई है, इसका भी लोग कतारबद्ध होकर के दर्शन करते दिखाई दिए। कई श्रद्धालुओं ने दीवार पर अपनी मनोकामना भी लिख रखा है। भाजपा कांग्रेस विवाद में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 से ज़्यादा BJP और साथ ही साथ 6 कार्यकर्ताओं जो कांग्रेस के हैं इन पर FIR रिकॉर्ड कर दी है। पत्थर और अंडों से इन पर हमला किया गया था। रायपुर में बीते दिन हुए बवाल पर पुलिस या एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। हालांकि भाजपा के 50 से 60 तो वही कांग्रेस के 5 से 6 कार्यकर्ताओं पर ही FIR दर्ज किया गया है। शुक्रवार को संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की
वजह से युवा कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कालिक फेंक करके पुतला जलाया था। इधर भाजपाइयों ने भी इस कांग्रेस भवन में कालिक फेंक दी थी। इसके बाद पथराव और अंडों से हुए हमले पर भाजपाइयों पर हुए थे। पुलिस हालात संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही लेकिन फिर भी हालात काबू नहीं हो रहे थे और इस पर अब पुलिसिया एक्शन देखने को मिल रहा है। राहुल के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, कहना है भूपेश बघेल का। कहा, कानूनी लड़ाई और जनता अब दो पक्ष हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर इन्होंने मीडिया को जानकारी दी। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने पर कहा कि इस मुद्दे को लेकर दो पक्ष हैं, पहला कानूनी जिसकी लड़ाई लड़नी है और दूसरा पक्ष ये कि इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने लगा है लेकिन अब इस पर अड़ंगा स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। तारीख तय करने में अब रेलवे बोर्ड हिचक नजर आ रहा है। दरअसल दुर्ग से लेकर रायगढ़ के बीच प्रस्तावित एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने में अड़ंगा लग चुका है। इसकी चर्चा रेलवे मंडल में होने लगी है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि बिलासपुर से नागपुर के बीच पहले से दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस से उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिलने की वजह से अब रेलवे बोर्ड आगे की प्रक्रिया के लिए हिचक रहा है। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के लिए पहले ही दुर्ग के रेलवे कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए मुंबई और बिलासपुर भेजा जा चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था और ऐसे में सर्व गुजराती समाज ने एफआईआर की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। तेजस्वी ने कहा था कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उनके इस बयान से लेकर सर्व गुजराती समाज भड़का हुआ है। समाज ने यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।